गाइस स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे साथ में एक नेपाली भाई है जो शिलाजीत बेच रहा है। बोल हेलो हाय, तो चाहिए तो अगर जरूरत हो गया तो संपर्क कर लेना, नेपाल का नंबर वन ओरिजिनल शिलाजीत भाई जान। तो गाइस ये शिलाजीत बेच रहा है, तो जिस किसी को चाहिए हो तो इस भाई से संपर्क करें, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बोल दे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 6 6 6 96 80 73 18। अगर किसी को भी जरूरत हो गया तो संपर्क कर लेना, आपको लिंक पे छोड़ दूंगा मेरा फोन नंबर। दोस्तों शिलाजीत है ये, भाई नेपाल का है, यहाँ पे शिलाजीत बेच रहा है सोना में। अब ये इसके फायदे बताएगा, बता भाई क्या क्या फायदे हैं इसके। और कोई चीज़ के लिए भाई क्या क्या फायदे हैं बता। में दर्द, पेशाब में जलन, बाजू में दर्द, पाँव में दर्द, उसके लिए फिल्टर के लिए रगत, फिल्टर के लिए, ठंडी में खाओ गर्मी रहेगा, ठंडी में जुकाम बारिश पूरा नहीं देगा। और कोई चीज़ के लिए भाई असली शिलाजीत की पहचान तो बता। असली शिलाजीत की पहचान लेते देखो ये जन जैसे ही शिलाजीत हो गया इतना तो लंबी सी तार से बाल से बारीक तार बनेगी लंबी, देखो ये असली पहचान है इसकी। बारीक बन जाएगा ना, टूटता नहीं है, तोड़ो तो शीशा की तरह टूटेगा, जोड़ो तो हाथी की तरह टूटेगा। तोड़ के दिखाना एक बार, देखा रहा हूँ देखो तोड़ो तो ये हो गया ना, देखने में नरम दिख रहे हैं ना, ये हो गया देखने में नरम दिखाई दे रहा है। हर कोई चीज की देखो फिर से तोड़, फिर से तोड़। असली ओरिजिनल शिलाजीत की ऐसा आवाज आएगा ना पत्थर की तरह, कट 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 आएगी आवाज आ रहा है इसमें, जरूरत फिर हड्डी की तरह जुड़ेगा। देखो टूटेगी नहीं, ये असली शिलाजीत है। असली शिलाजीत और क्या है तेरे पास? और ये है पहाड़ी धनिया है, केसर है, केसर भी है। केसर दिखाना, खोल रहा है केसर, देख तो केसर दिखा रहा भाई, ओरिजिनल केसर एकदम। कहाँ से लाता है? नेपाल से। नेपाल से ला रहा। देख सकते हो भाई केसर के रेशे हैं ये, कितनी प्यारी लग रही है केसर, पूरी डब्बियां भर रखी है इसने। तो कितने की डब्बी है ये? 400 के। एक 400 रुपए की एक डब्बी, केसर तो बहुत महंगा है जी। और शिलाजीत कितने की है? शिलाजीत 150 का, 10 तोला, 1 ग्राम, 1 ग्राम 150 रुपए का, और ये 1 ग्राम 400 रुपए की। 400 ग्राम। तो ले लो गाइस जिसको चाहिए हो शिलाजीत, ये सोना के यहाँ बस स्टैंड पे खड़ा है। और कोई चीज के लिए? एक ही चीज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाओगे तो इससे बेहतर और नए नए ब्लॉग आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों ख्याल रखना अपना, मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।